हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सारे बढ़िया होंगे। तो दोस्तों फाइनली जो एपी कार्ड आप देख सकते हो हमारे सामने जो हमें मिल चुका है, ठीक है। और इस एपी कार्ड को बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि इस एपी कार्ड को रोडवेज के अंदर किस प्रकार से यूज करना होता है। सबसे पहले दोस्तों हम बता दें, इस कार्ड के माध्यम से ही आपको टिकट मिलेगी जहाँ पर आपको रोडवेज का संपर्क करोगे। दोस्तों इसकी खास बात ये है कि इसके अंदर जो है आप 1000 किलोमीटर तक फ्री यात्रा कर सकते हो। ये कार्ड हरियाणा के अंत्योदय परिवारों को जो है मिलता है। दोस्तों हरियाणा के जो अंत्योदय परिवार होते हैं वे होते हैं जिनकी 1 लाख से कम इनकम वेरीफाई होती है फैमिली आईडी के अंदर। तो दोस्तों हमारे बहुत सारे जो सवाल है वो क्लियर हो चुके हैं, लेकिन अभी जो सवाल रहता है कि भाई कंडक्टर जो है किस प्रकार से इस कार्ड को यूज़ करेंगे। आपने तो आपका काम कर दिया, भाई आपको जो है कंडक्टर को इसको कार्ड को दे दिया, लेकिन कंडक्टर किस प्रकार से आपकी टिकट बनाएंगे, तो उसके लिए एक वीडियो जारी हो रहा है जो इसमें आप स्क्रीन पर देख लीजिए। तो चलिए पहले इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद आपसे बातचीत करते हैं। तो ये एक NCMC हैप्पी कार्ड है, और हैप्पी कार्ड को हमें यूज़ कैसे करना है वो जानेंगे इस वीडियो के अंदर। जैसे हमारी जो मशीन है इसके अंदर जब आप डेस्टिनेशन सेलेक्ट करोगे, जैसे हमने 3 ऑप्शन आ रहे हैं हमारे पास, इसके अंदर हमें NCMC पास को सेलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे ये पहले ही सिलेक्टेड है ऐसे, उसके बाद क्लिक करना है स्मार्ट कार्ड पे। स्मार्ट कार्ड पे पे जाने के बाद कार्ड को ऐसे टैप करना और इसको ऐसे लगा के रखना तरीके से। उसके बाद यहाँ पे आपको इस हैप्पी कार्ड का जो बंदा है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई देगी कि इसके डेट ऑफ बर्थ है, ये नाम है, ये इसकी पास के रिमेनिंग किलोमीटर भी आपको स्क्रीन पे दिखाई देंगे। जैसे कि 992 किलोमीटर आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद पेड पे बाय कार्ड करोगे आप, और सेकंड टैप भी आपको ऐसे ही लगाना। प्रोसेसिंग होगी, अप्रूव होगा, कार्ड का बैलेंस आ गया, अवेलेबल हैप्पी की आपको इन्फॉर्मेशन सब रसीद पे दिखेगी। ये देखिए अभी जर्नी रही है, 2 किलोमीटर आए हैं, 960 इस बंदे के रिमेनिंग किलोमीटर रहे हैं हैप्पी के। और जो पर्ची है जो ये देख सकते हो किस प्रकार से बिल्कुल बारीकी से। तो दोस्तों इस वीडियो में इस भाई साहब ने बता दिया कि हैप्पी कार्ड से किस प्रकार से आपकी टिकट बनेगी, जहां पर भी जाना है ये कार्ड आपको दिखाना होगा। तो दोस्तों अब बारी आती है हैप्पी कार्ड कौन बनवा सकता है, और इस हैप्पी कार्ड के साथ साथ क्या क्या प्रकार से दिखाई देता है, ठीक है। ये प्लास्टिक का जैसा आपका ATM होता है उसी प्रकार का ये हैप्पी कार्ड है, दिखता है, ठीक है। ये हैप्पी कार्ड आपको मिलता है, इसके अलावा दोस्तों आपको एक पेज सा मिलता है, ठीक है, AU स्मॉल बैंक का। इसके अंदर जो है ये यूज़र मैनुअल लगा लो आप हैप्पी कार्ड की, इसके अंदर सारी डिटेल है कि आपको इसको किस प्रकार से यूज करना है, किस प्रकार से क्या पिन बनेगा वो नहीं बनेगा, ठीक है। पिन के बारे में भी आपको बताएंगे, ठीक है। उससे पहले आप देख लीजिए किस प्रकार की रिसिप्ट आपको देखने को मिलती है। इस रिसिप्ट में आप देख सकते हो हरियाणा रोडवेज और AU स्मॉल बैंक का जो है लोगो लगा हुआ है, और नीचे देख सकते हो यहाँ पे 1000 किलोमीटर के लिए जो है फ्री का यहाँ पे लिखा गया है, और 50 रुपये जो इसकी फीस जो है आपसे ली जाएगी जब आप इसे कार्ड को लेने के लिए जाओगे। दोस्तों अब बारी आती है जी हैप्पी कार्ड का जो पिन है वो किस प्रकार से बनेगा। दोस्तों हैप्पी कार्ड का जो पिन है वो आप इस हैप्पी कार्ड को अप्लाई करने के बाद लेने के लिए जाओगे, उस टाइम पर आपके फ़ोन पे एक मैसेज आया होगा OTP का, ठीक है। वो OTP कोड जैसे ही हैप्पी कार्ड जो देता है आपको प्रोवाइड करता है उसको दोगे, तो वो आपसे ये पूछेगा जी आपका इस हैप्पी कार्ड का पिन क्या बनाना है। तो नॉर्मली आप अपनी मनपसंद का जो पिन है वो इस हैप्पी कार्ड का बना सकते हो, उनको जो बता दीजिए तो वो जो आप बोलेंगे वो पिन आपका बना के दे देगा। तो ये हैप्पी कार्ड का पिन से रिलेटेड जो जानकारी थी वो आपको दे दी है। अब दोस्तों बात करें किस हैप्पी कार्ड को किस प्रकार से अप्लाई करना है। दोस्तों नॉर्मली हरियाणा रोडवेज की जो साइट है उसके ऊपर जैसे ही आप आओगे वहाँ पे आपको अप्लाई हैप्पी कार्ड का ऑप्शन दिखाई देगा। उस अप्लाई हैप्पी कार्ड पर क्लिक करते ही आपकी फैमिली आईडी का नंबर पूछेगा। फैमिली आईडी के नंबर पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपसे ये पूछेगा किस बंदे का जो हैप्पी कार्ड बनाना है। उस पर टिक करते ही आपका आधार कार्ड नंबर पूछेगा, आधार कार्ड पर OTP आएगा, OTP के बाद आपकी फैमिली आईडी पर OTP आएगा, उसके बाद सबमिट होने के बाद आपके एक रिसिप्ट प्राप्त होगी, उस रिसिप्ट में एक रिसिप्शन नंबर प्राप्त होगा, और तुरंत ही आपको एक SMS प्राप्त हो जाएगा कि आपको इस तारीख के अंदर जो आपका हैप्पी कार्ड है मिल जाएगा। तो ये था हैप्पी कार्ड अप्लाई करने का नॉर्मल सा प्रोसेस। अब दोस्तों बारी आती है कि हैप्पी कार्ड को जब आप लेने के लिए जाओगे उस टाइम पर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं। तो दोस्तों हैप्पी कार्ड को जब आप लेने के लिए जाओगे तो नॉर्मली आपको
आपका फैमिली आईडी, आपका आधार कार्ड और वो रिसिप्ट जो उस टाइम पर जो आपने अप्लाई करा था उसमें रेफरेंस नंबर होगा, उस रेफरेंस नंबर की जो रिसिप्ट है वो साथ में लेकर जानी होगी। साथ ही आपको 50 रुपये की जो फीस है वो वहाँ पे देनी होगी जब आप एपी कार्ड के लिए लेने के लिए जाओगे। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बता दिया है कि आपको एपी कार्ड से जुड़ी हुई हर वो जानकारी बता दी है कि एपी कार्ड में आपको क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या क्राइटेरिया है, सारी बातें आपको बता दी है। तो आपको अब भी कोई भी दिक्कत परेशानी रहती है तो आप भी कमेंट मार सकते हो, आप भी कमेंट करके बता सकते हो। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना जी, ताकि सभी भाइयों की जो है हेल्प हो सके। तो धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम जी।